ज्योति और ये है सफरनामा द ट्रैवल डायरी ऑफ कोर्स। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो है उदयपुर में जो एक म्यूज़ियम है जो सिटी पैलेस म्यूज़ियम कहा जाता है उसके जस्ट बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर मुझे लेनी है टिकट सिटी पैलेस म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी तुरंत अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो सिटी पैलेस म्यूज़ियम नहीं है। एक्चुअली जो उदयपुर है उसे लेक सिटी कहा जाता है, और अगर लेक के बीचों बीच बने हुए खूबसूरत से होटल को आपने नहीं देखा है, खूबसूरत सी जगह को आपने नहीं देखा, तो आपका तो थोड़ा दूर सा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं जगमंदिर जो कि लेक के चलो के बीचों बीच में बना हुआ है, लेकिन उसकी जो टिकट है वो आपको सिटी पैलेस म्यूज़ियम में एंटर करने के बाद मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस टिकट काउंटर से आपको लेनी है सिटी पैलेस के अंदर जाने की टिकट, और फिर थोड़ा सा आगे जाके हम लेंगे जगमंदिर तक जाने के लिए बोट की टिकट। ये है सिटी पैलेस की एंट्री टिकट, और जग मंदिर तक बोट राइड की टिकट के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, यानी कि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ सामने जो काउंटर है वहीं से मिलती है बोट राइड की ये टिकट। लेक पिचोला में इस बोट राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होटल्स लेक के आसपास या फिर लेक के बीच में बने हुए हैं आप सारे इस राइड में देख पाते हैं। और फाइनली अब हम पहुँच गए हैं जग मंदिर। लेक के बीचों बीच बने हुए इस खूबसूरत से रिजॉर्ट को अगर आप अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ रूम बुक करके यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए ये रिजॉर्ट काफ़ी पॉपुलर है। जगमंदिर पैलेस के बाद अब हम वापस जा रहे हैं सिटी पैलेस म्यूजियम की तरफ, जिसकी टिकट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और अगर आप आ रहे हैं सिटी पैलेस म्यूजियम घूमने तो बहुत सारा पैदल चलने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेक पिचोला के ईस्ट बैंक पे बना हुआ सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 16th सेंचुरी में बनवाया था, और अब इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की रॉयल हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी अमेजिंग चीजें। Thank you.
सिटी पैलेस के बाद अब फोन में नेविगेशन डाला जा चुका है विंटेज कार म्यूजियम के लिए, जो कि यहाँ पे पास में ही है। और ये है विंटेज कार म्यूजियम का एंट्री गेट। इसके अंदर जाने के लिए लेना पड़ेगा यहाँ से एंट्री टिकट। रॉयल फैमिली का हिस्सा रही इन विंटेज कार्स को देखना बड़ी ही वाव टाइप फीलिंग देता है, और ऐसी ही बहुत सारी वाव फील वाली चीजें हम देखेंगे लेकिन ऑल अबाउट उदयपुर के अगले व्लॉग्स में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सफरनामा द ट्रैवल डायरी।